वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए जेएसएससी प्रीवियस ईयर सेट नंबर 7 लेके आया हूँ। इसके पहले 6 सेट अपलोड किया जा चुका है और ये सेट का सारे क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन आप देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द एनुअल एग्जामिनेशन भारती गॉड इन 3150 मार्क्स एंड प्राप्ति गॉट 2950 मार्क्स। इफ्स भारती गॉट 63 मार्क्स, भारती को अगर 63 मार्क्स आता है तो पूछा जा रहा है प्राप्ति को कितना परसेंट मार्क्स मिला था। अगर ये मार्क्स जो है 2950 मार्क्स लाती है तो कितना परसेंट मार्क्स वो लेके आती है। तो सबसे पहला बात है, ये जो भारती जो मार्क्स लेके आई है 3150, वो परसेंटेज में अगर बात करते हैं 63% है। तो ऐसे केस में हम यहाँ पर अगर ये बात कर लेते हैं ये 63% है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये 63 जो परसेंट है तो यहाँ से हम इसको अगर बनाना चाहते हैं तो देखिए टोटल जो मार्क्स हुआ होगा वो आता पता नहीं है, लेकिन ये 63% क्या है 3150 के इक्वल है और इतना मार्क्स वो क्या करती है लेके आती है। तो ये टोटल मार्क्स हम इसका सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल मार्क्स को एक्स सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हम एक्स सपोज करेंगे टोटल मार्क्स तो ये 63% हो जाएगा, ठीक है। और परसेंटेज को रिमूव करने के लिए बाय 100 करेंगे और इक्वल टू क्या हो जाएगा 3150 हो जाएगा यहाँ से। और हम यहाँ से एक्स का अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बड़ा आसानी से हम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं 3150, ये आपको 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये 63 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से ये 63 से ये 50 टाइम्स में डिविजुअल है, यानी कि जो टोटल मार्क्स उसका एग्जामिनेशन हुआ था वो 5000 मार्क्स का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था, जिसमें से वो क्या करती है प्राप्ति क्या करती है 2950 मार्क्स लेकर जाती है। कितना परसेंट प्राप्ति प्राप्त करेगी मार्क्स, तो प्राप्ति द्वारा प्राप्त किया गया जो मार्क्स का परसेंट होगा वो 2950 है, ठीक है। और यहाँ से ये 5000 में आएगा, ठीक है। और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 0000 कैंसिल हो रहा है, 1010 कैंसिल हो जा रहा है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा 5 से, तो 5 5 जा 25 एंड 5 9 जा 45 हो जाएगा। तो ये आपको आंसर आ जाएगा 59%, बट यहाँ परसेंट में नहीं दिया गया है, वो आपको परसेंट को रिमूव करके दिया है। इसको 100 से डिवाइड करेंगे परसेंट को रिमूव करने के लिए तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, 2016 में दालें 120 रुपये प्रति किलो भाव में बिक रही थी और 2017 में बढ़ करके क्या होता है 135 रुपीस पर केजी हो जा रहा है। तो उसका परसेंटेज पूछा जा रहा है, इंक्रीमेंट क्या है। तो देखिए यहाँ जो डिफरेंस आएगा दालों का जो प्राइस है दो साल में, वो डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा 135, ठीक है, माइनस 120। तो ये डिफरेंस क्या है 15 रुपीस का डिफरेंस है। तो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट। ओके, तो इंक्रीमेंट जो हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इंक्रीमेंट देखने को अगर मिलेगा तो ये कितना मिल जाएगा 15 रुपीस का इंक्रीमेंट है बाय क्या होगा 120 हो जाएगा और परसेंटेज में लाने के लिए 100 हो जाएगा। यहाँ से हम इसको क्या करते हैं 8 से टाइम्स में कैंसिल करते हैं, ये 4 2 जा 10 हो जा रहा है और ये 4 से 25 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है। तो 25/2 यानी कि क्या हो रहा है ये 12.5% के इक्वल आएगा। ध्यान देने वाला बात है ये 12.5% के इक्वल आएगा, बट यहाँ परसेंट में आंसर ना दे गए, क्या किया परसेंटेज को रिमूव करके दिया है। तो 12.5% को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 12.5% जो आया हुआ है ये परसेंट को अगर रिमूव करके लिखते हैं तो क्या आ जाता है यहाँ पे, ये पॉइंट को रिमूव करेंगे 1000 आएगा, यानी कि ये आ जाएगा 0.125। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जा रहा है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए सबसे पहला यहाँ एक टीवी सेट था, उसका प्राइस क्या है 2015 में क्या है 24,500 है और वो प्राइस बढ़ के क्या हो जा रहा है 27,440 हो जा रहा है। कितना का इंक्रीमेंट हो गया यहाँ, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट जो है 2940 का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो पूछा जा रहा है टीवी सेट में की सेट में वार्षिक कितने परसेंट की वृद्धि हुआ है, कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है। तो ये दो साल में थी इतना बढ़ा हुआ है, तो एक साल के हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ है डिफरेंस दोनों में, ये दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो ये दोनों का डिफरेंस जो निकलेगा वो प्राइस में वो कितना का डिफरेंस है वो देखिए
2940 का क्या है डिफरेंस है, क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 14 में 59 जाएगा, फिर यहाँ से 6 में से 42 आ जाएगा। तो ये 2 ईयर का डिफरेंस है, तो 1 ईयर का डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 1 जा 2 9 जा 2 4 जा 18 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा इतना, इतना रुपया हुआ 1 ईयर का क्या हुआ डिफरेंस जा रहा है। और कितना में इंक्रीमेंट हुआ है, 24,500 में इंक्रीमेंट हुआ है। परसेंटेज में लाना है तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़ा आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे 7 है। ओके, अगर हम इसको कैंसिल करके बनाते हैं तो यहाँ से क्या होगा, ये देखिए 7 टाइम्स में ये पूरा पूरा डिविजुअल हो रहा है, 7 3 जा 21, 3 बच रहा है यहाँ से 35, तो 7 5 जा 35 होगा, और ये 7 2 जा 14 एंड 7 1 जा 7, 210 टाइम्स में डिविजुअल है। तो ये 210 अपॉन क्या करेंगे, 35 कर देंगे, ठीक है। तो ये 7 के टाइम्स में 7 5 जा 35 एंड 7 3 जा, ठीक है। तो यानी कि फाइनली 6% आ जाएगा, जो कि 6 को परसेंटेज में ये तो आया हुआ है बट परसेंटेज में नहीं दिया है, परसेंटेज रिमूव करेंगे 0.06% आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको पूछा जा रहा है ए का वैल्यू सबसे पहले निकाल लेंगे फिर यहाँ से 2A का वैल्यू निकालेंगे। देखिए ए परसेंट ऑफ 2500, तो 2500 का हम लोग क्या करते हैं ए परसेंट निकालते हैं, परसेंट को रिमूव करने के लिए वाई 100, और ये किसके इक्वल है 400 के इक्वल दिया गया है। यहाँ से 0000 कैंसिल होगा, और ये 25 के टेबल में 16 टाइम्स में डिविजुअल है, यानी कि ए का वैल्यू तो 16 मिल रहा है बट आपको मांगा जा रहा है 2A, तो 2 16 जा क्या हो जाएगा 2 into 16 यानी 32, तो 32 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का चारों ऑप्शन आपको बोर्ड पर दिख रहा है, स्क्रीन पर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको इसको सबसे पहले बनाए उसके बाद ऑप्शन को मैच करें। ये दिया हुआ है यहाँ पर 65% ऑफ ए एंड क्या है 37% 5 ऑफ ए, तो इसको रिमूव कर देते हैं परसेंटेज और ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे आसानी से। तो यहाँ 65% यानी कि क्या है ये 60, इसको बहुत शॉर्टकट कट में से भी बना सकते हैं तुरंत, ठीक है। माइनस क्या है ये 37.5 है ऑफ ए और डिवाइडेड बाय 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये ओ ए दिया हुआ है, और ये 4400 ये क्या है 55 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से जो डिफरेंस आ रहा है ये क्या चीज़ का, देखिए ये तो लाइक फ्रैक्शन है, तो डिफरेंस जो बनेगा वो तुरंत डिफरेंस क्या आ जाएगा 0.5 का डिफरेंस यहाँ दिख रहा है, ठीक है। 14 में से 7 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 ही बच जाएगा, ओके। और यहाँ से फिर यहाँ से क्या 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि 27.5 ए यहाँ पे रहेगा बाय 100 रहेगा, ठीक है। बट ये क्या होगा 4455 के इक्वल आएगा, ये पॉइंट को रिमूव कर देंगे तो यहाँ से 1000 आ जाएगा। हमको यहाँ से ए का वैल्यू चाहिए तो यहाँ से 4455, ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे 275 से डिवाइड करेंगे और इंटू में क्या है 1000 है, ठीक है। ये 25 के टेबल्स में पूरा पूरा डिविजुअल है, तो 25 1 जा 25 हो जा रहा है, ठीक है। 2 बच रहा है 25, 11 टाइम्स में हो रहा है, और ये 25 का टेबल्स में ये 40 टाइम्स में डिविजुअल है, ये 11 के टेबल में पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 11 4 जा 44 बट 0 पुट होगा, 11 5 जा 55, तो फाइनल जो हो रहा है यहाँ से 405 और साथ में क्या हो रहा है 40 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आंसर जो मैच कर जा रहा है वो 16,200 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 मैच कर जा रहा है, इसका प्रोडक्ट आ रहा है 16,200, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है, सोनू को 30% अंक मिले और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, और मोनू को 30% अंक मिला और 3 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। तो पूछा जा रहा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों का प्रतिशत खोजना, कितना परसेंट से पास करेगा। तो ये देखिए कोई एक स्टूडेंट है, अगर उसको क्या किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, अगर उसको क्या कर रहा है जितना भी मार्क्स का एग्जामिनेशन हुआ होगा, ठीक है, तो उसको क्या किया जा रहा है, अगर वो 30% मार्क्स लाता है तो 30% मार्क्स लाता है यानी कि 30/100 हो गया, तो 5 मार्क्स से वो फेल हो जाता है, इसका मतलब 5 मार्क्स हो रहा था तो उसका पासिंग नंबर हो जाता है। वही मोनू के लिए क्या है, वो क्या करता है 32% मार्क्स लाता है, ठीक है, फिर भी वो क्या कर रहा है 3 मार्क्स से फेल कर रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वेशन बना लेगा और इधर लाके हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बड़ा आसानी से ये क्या हो जाएगा यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जब हम लोग ऐसा ये बनाते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये 30 है और ये 32 है, ठीक है,
30 और ये 32 है, तो इधर से अगर हम बनाते हैं तो ये क्या आ जा रहा है, लाइक डेसिमल है तो ये तो 2x बन जाएगा, 2x बाय 100 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि हम इधर 32 को पार्टी के इधर लाएँ, और 3 में से 5 जाएगा तो ये माइनस टू कैंसिल होगा, और यहाँ से x का जो वैल्यू आ जाएगा वो फाइनली क्या आ जाएगा, 100 के इक्वल आएगा, ठीक है। 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, एक्स 100 आएगा, यानी कि 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन हुआ और वो 30% मार्क्स ला करके 5 मार्क्स से फेल कर रहा था, यानी कि 35% पास करने के लिए मार्क्स जरूरी है, तो पास रिक्वायर्ड जो मार्क्स का बात किया जा रहा है, रिक्वायर्ड मार्क्स क्या है, पास करने का क्या है, 35 है, तो जब 100 नंबर का एग्जाम ही हुआ है तो 35% और 35% को हम लोग बोल सकते हैं 0.35 परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड किए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक मोबाइल फोन इतना रुपया में बेचा जाता है और उसको 10% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ से क्या पूछा जा रहा है, उसका कॉस्ट प्राइस पूछा रहा है, हम लोगों के पास कॉस्ट प्राइस का डायरेक्ट फार्मूला है, तो कॉस्ट प्राइस के लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंट यूज़ करते हैं हम लोग, तो यही फार्मूला पर हमको यहाँ पुट कर देना है, सेलिंग प्राइस आपको दे दिया है 5280, ओके, और यहाँ से क्या है इंटू 100, फिर यहाँ से क्या करेंगे 100 प्लस 10 पर, यानी कि 110 आ जाएगा, 00 कैंसिल करते हैं तो ये 11 के टाइम्स में क्या हो रहा है, 44 जा हो गया, और यहाँ से 6 to 8, 11 8 जा 88, यानी कि ये पूरा 48 टाइम्स में कैंसिल हुआ, डैट मीन्स 4800 इसका कॉस्ट प्राइस है, ओके। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट का चारों स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, डिस्काउंट सीजन में एक 3600 रुपया की कीमत का रेडियो 5% हानि पर बेचा जाता है, उसकी कीमत और 8% घटाई जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य देखिए, ये 3600 में है अभी उसका प्राइस है, बट 5% का लॉस पर बेचेंगे, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, 3000 अगर हम इसको निकालते हैं 5% का लॉस पर बेचेंगे, यानी कि उसको 95% पर ही बेच देंगे, ठीक है, ओके, और उसको हम 8% लॉस पर बेचेंगे, यानी कि 92% पर बेच देंगे, तो ये जो कैलकुलेट होगा वही उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, क्योंकि 3600 अपने आप में 100% है, 5% लॉस कर दिए कितना बेचेंगे, 95%, फिर से 8% को रिड्यूस करेंगे तो 92% में बेचेंगे, तो ये 00 00 कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो प्रोडक्ट फाइनली आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, वो देखिए थोड़ा सा 36 इसका कैंसिल कर सकते हैं, बट कैंसिल क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं है, देखिए अच्छा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कैंसिल जा रहा है, तो हम इसको कैंसिल कर भी देते हैं, तो यहाँ से कैंसिल करने के बाद ये 100 जो है ये 20 टाइम्स में कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये क्या हो रहा है, ये 19 टाइम्स में इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, 5 से कैंसिल कर रहे थे ये, फिर क्या करेंगे, हम यहाँ 10 टाइम्स में इसको कैंसिल कर रहे हैं, और ये 18 टाइम्स में मेरा यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है, तो जो फाइनली मेरा प्रोडक्ट दे रहा है ये, ठीक है, वो दे रहा है क्या चीज, 18 × 19 × 92, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 10 है, जो कि हमको यहाँ से प्रोडक्ट में जो दिया है वो आ जाएगा 31464 आ जा रहा है, बाय 10 है, तो यानी कि आपको ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर जा रहा है, 3140, यानी 3146.4, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर 0.4, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सेकंड मैच कर जा रहा है, ओके, नहीं ऑप्शन नंबर 3146 मिस्टेक हो रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच कर रहा है, ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पॉइंट यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 3146.4, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्या दिया गया है, तो आपको ऑप्शन दिख रहा है चारों, एक ठोस के किनारों की संख्या निकालें जिसके क्या है समतल क्या है, यानी कि ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आयलर्स फॉर्मूला पर आधारित है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, देखिए सबसे पहले फेस की संख्या, तो फेस को हम लोग क्या करेंगे, एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, फेस की संख्या को हम 10 बोल सकते हैं, और उसका वर्टेक्स की संख्या को क्या बोल सकते हैं, 16 बोल सकते हैं, तो हमको क्या निकालना है यहाँ से, इसका एड्ज की संख्या निकालना है, यानी कि एड्ज की संख्या हमको कैलकुलेट करना है, ई चाहिए, तो इसके लिए हमको आयलर्स फार्मूला मेरे पास एक मालूम है, बाय आयलर्स फार्मूला, ठीक है, आपका अगर नहीं मालूम है तो आप यहाँ आयलर्स फार्मूला लिख लें, तो आयलर्स फार्मूला क्या चीज़ होता है, देखिए एड्ज को भी सॉलिड फिगर है, एड्ज फेस और साथ में उसका वर्टेक्स के बीच में क्या करता है, एक रिलेशन देता है, क्या देता है,
एफ प्लस भी, एफ फोर फेस हो गया, भी फोर वर्टेक्स हो गया, और ये दोनों का सम क्या होता है, ई प्लस टू के इक्वल आता है। तो इसमें ये फॉर्मूला में हम एफ और भी का वैल्यू पुट करते हैं 26, तो ई का वैल्यू कन्फर्म है कितना आएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला में पुट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड मैच कर रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्क्रीन पर आ गया है। राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम दिया है और उसी को क्या एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, फाइंड इट्स रेडियस पूछा जा रहा है। देखिए उसका कर्व सरफेस एरिया दिया गया राइट सर्कुलर सिलेंडर का, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2πRh, जो कि आपको 220 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल दिख रहा है। राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया यही फॉर्मूला है। तो हम ये 2 से कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से क्या मिलता है, 110 टाइम्स में कट जा रहा है, यानी कि एक रिलेशन यहाँ से हम निकाल के रख लेते हैं, पाई आर एच जो है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, बट हमको यहाँ से इसका वॉल्यूम दिया हुआ है राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर में, पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो कि आपको 550 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल दिया है। अब इसको हम क्या करते हैं, R को तोड़ देते हैं R इंटू आर में, तो R को हम अलग कर देते हैं और ये पाई आर एच को साथ में लिख देते हैं, ताकि हम पाई आर एच का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यूज़ कर लें। तो ये R को R छोड़ देते हैं, इसके बदले 110 यूज़ करेंगे, और ये 550 था पहले से, तो ये 5 टाइम्स में पूरा पूरा डिविजिबल है, इट मीन्स क्या है, रेडियस विल बी 5 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ से कहा है थर्ड मैच कर जा रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में से आपको 400 और 500 के बीच में न्यूनतम संख्या निकालें, जो 9, 15 और 6, जहां सबसे छोटा से छोटा बोला है, लिस्ट नंबर का बात किया है, जैसे लिस्ट नंबर का बात करता है तो हम उसका एलसीएम निकालते हैं, और 9, 15 और 6 का एलसीएम क्या हो जाता है, ये जो तीनों नंबर है 9, 15 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 90 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 90 का टेबल में, देखिए अगर 90 का टेबल हम क्या करते हैं 5 टाइम्स में पढ़ते हैं तो ये आ जाता है 450, अगर हम 6 टाइम्स पढ़ते हैं तो यहाँ से आ जाता है क्या चीज़, ये 540। तो मेरा बाउंडेशन क्या है, 400 और 500 के बीच में लेना है, इसका मतलब हम 450 को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको भाग पड़ने पर क्या होता है, यहाँ रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए, इसका मतलब हम ये 3 को बढ़ा के लिख देंगे, तो जो नंबर हो जाएगा वो नंबर क्या बन जाएगा, 450, तो पूरा पूरा 90 से डिविजिबल है, और 3 ऐड कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 453। तो जब हम 453 को 9 से डिवाइड करें, चाहे 15 से डिवाइड करें, चाहे 6 से डिवाइड करें, हर एक दशा में रिमाइंडर क्या करेगा, 3 देगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 953, ऑप्शन नंबर थर्ड मैच कर रहा है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या चीज़ है, देखिए यहाँ सबसे पहले आपका चारों ऑप्शन दिख रहा है। 6 सेमी व्यास वाले गोलाकार गेंद को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है, जिसे यानी कि एक सिलेंडर कौन बनाया जाता है, वो स्फीयर को पिघला करके, कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको सबसे पहले लिख देते हैं, कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, लेकिन यहाँ आर इसको आर वन कर देते हैं, स्फीयर का रेडियस अलग है। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास क्या है, 4/3 पाए और 3 सब कैंसिल हो जा रहा है, पाए तो आराम से हम कैंसिल कर ही सकते हैं, 3 भी को आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, आर हमारा क्या है, यहाँ पे स्फीयर है और स्फीयर का रेडियस 6 है, और जो सिलिकॉन है उसका भी रेडियस 6 है, क्योंकि डायमीटर 12 दिया हुआ है। ठीक है, नहीं, इसका डायमीटर स्फीयर का 6 है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से रेडियस अगर इसका निकालते हैं R1 जो है वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल है, और यहाँ से रेडियस निकालते हैं ये 6 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। तो हम यहाँ से रिलेशन जो निकालेंगे आर स्क्वायर एच जो है वो क्या है, 4 ये R1 क्यूब है। ठीक है, इससे निकाल लेते हैं रिलेशन, हमको हाइट निकालना है, आर की जगह में क्या है, ये मेरा आर जो है 6 सेंटीमीटर है, 6 × 36 करते हैं, ये एच नहीं मालूम है, 4 R1 का क्यूब है, R1 का क्यूब कहने का मतलब क्या है, 3×3 = 9, 27 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हम रिलेशन अगर बनाना चाहते हैं, ये 36 एच
और इधर क्या बन जाएगा, 108 बन जाएगा, क्योंकि 27 × 4 = 108 होता है, तो एच का वैल्यू क्या होगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट ही मैच कर रहा है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 देखते हैं, 13 में क्या बोला जा रहा है। 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक, और इसमें चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे 3 अलग अलग आदमी है, तीनों का क्या है, रेशियो दिया हुआ है, एज का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। ये 15,000 जो है ये वाला, इससे बहुत ज़्यादा हमको क्या मतलब नहीं है, हम रेशियो यहाँ पर आपती और ब्राह्मी, आपती और ब्राह्मी का एज रेप्सी, यानी कि आपती जो है ठीक है, और साथ में ब्राह्मी है, ब्राह्मी को हम 20 से दिखाते हैं, ये दोनों का एज का रेशियो यहाँ करंट में दिया हुआ है 9:11, ठीक है। और सिमिलरली दिया है ब्राह्मी की, और ब्राह्मी की उम्र की सुंदरी की, ब्राह्मी की उम्र का सुंदरी की उम्र से, यानी कि सुंदरी को हम एस से दिखा देते हैं, ये दोनों का एज का रेशियो क्या है, 11:13 है। तो एक काम करते हैं, हम तीनों का एज का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब तीनों का एज का रेशियो निकालना चाहते हैं, आपती हो गया, चाहे ब्राह्मी हो गया, चाहे सुंदरी हो गया, तीनों का एज का रेशियो निकालने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ क्या करेंगे, रेशियो को तोड़ देंगे, ठीक है। ये यहाँ से क्या होगा, 11 आ जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जब बनाना चाहेंगे तो 9:11, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो 11:11 होगा यहाँ पे, फिर H2 का साइन देंगे, फिर ये लास्ट में ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 11:13 हो जाएगा। तो देखिए ये तीनों में 11:11 कॉमन जा रहा है, तो ये 11 कैंसिल होगा, 11 कैंसिल होगा, और 11 कैंसिल हो जाएगा, तो जो रेशियो ABC का बच जाएगा, ABC नहीं है, यहाँ सुंदरी है, तो एस से दिखाए हैं, तो इसका मतलब रेशियो क्या होगा, 9:11:13 है, ये आ गया। अब आपती और ब्राह्मी की उम्र का योग, आपती और ब्राह्मी यानी कि ये दोनों का उम्र का योग दे दिया है, कितना, 132 दे दिया गया है, ठीक है। आपती और यदि उम्र का योग, ये किसका उम्र का योग है, हो, यदि उनकी उम्र का योग, तो ये ब्राह्मी और किसका है, सुंदरी का ये उम्र का योग दिया हुआ है, ये है ना, ब्राह्मी और सुंदरी का उम्र का योग दे दिया 132, ठीक है। देख लीजिए यहाँ, यदि उनकी उम्र का योग इतना है, तो आपती और ब्राह्मी पूछा जा रहा है, आपती और ब्राह्मी का पूछा जा रहा है, तो हमको यहाँ ब्राह्मी और सुंदरी का एज का सम दिया है, तो हम यहाँ से अगर इसको कवर करते हैं, देखिए तो ये यहाँ से क्या है, दोनों का रेशियो का सम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और दोनों का, अच्छा, यदि उनकी उम्र का योग 132 है, और आपती और ब्राह्मी की उम्र का योग क्या होगा, आप निकालें, यदि तीनों का एज का सम जो है 132, तीनों को ऐड करते हैं, तो ये यहाँ से आ जाता है 10:33 आ जा रहा है, ठीक है। तीनों का एज का सम क्या है, 33, हम एक्स मान लेंगे, तो यहाँ से 30, तीनों को जोड़ते हैं, 33 आता है, और ये दे दिया है तीनों का एज का सम 132, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 मिलेगा, ठीक है। अब हमको ये दोनों का एज का सम पूछा जा रहा है, तो 9 और 11 का जो सम होता है वो 20 होता है, बट ये 20x रहेगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, इसका एज चाहिए था, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, 20 × 4 करेंगे, जो कि 80 के इक्वल आ जाएगा। ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, जो कि 80x के इक्वल आ जाएगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में द सम ऑफ टू नंबर, दो अलग अलग नंबर है, और दोनों का सम आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो दो अलग अलग नंबर का सम दिया हुआ है, जैसे कि मेरे पास क्या है, दो अलग अलग नंबर ले लेते हैं, सपोज करते हैं एक्स प्लस वाई, और ये दोनों का सम दे दिया है 260 के इक्वल, ओके। और दोनों नंबर का जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस है तो एक्स माइनस वाई होगा, और ये दोनों नंबर का डिफरेंस भी 10 दिया है, तो हमको पूछा जा रहा है ये दोनों नंबर क्या क्या होगा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, डायरेक्ट तो नंबर नहीं पूछ रहा है, तो ये दोनों नंबर को निकालने के लिए हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये वाई यहां से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से 2x का जो वैल्यू आएगा 270 आ जाएगा, ओके। तो x जो आएगा यहां से क्या आ जाएगा, 135 आ जाएगा, और y का वैल्यू जब हम लोग निकालना चाहेंगे तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो y का वैल्यू 125 के इक्वल आ जाता है, क्योंकि 10 ही का तो डिफरेंस है, तो 125 आएगा, बट हमको क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा है, एक्स और वाई का प्रोडक्ट मांगा जा रहा है, तो x का वैल्यू 135 और y का वैल्यू 125, ये दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 16,875 के इक्वल आ जा रहा है, ओके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमको दिख रहा है, यहाँ से फर्स्ट ही दिख रहा है, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम क्या करते हैं, 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, देखिए एक्स ओ वाई, ये इसका फिगर ड्रॉ करना होगा, बिना फिगर ड्रॉ किए इसको बनाना मुश्किल है, यहाँ पे क्या है, इस तरह का हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन ले लेते हैं एक्स ओ वाई,
तीन बिंदु है यहाँ पे एक्स ओ वाई, इस तरह का हम एक स्ट्रेट लाइन ले लिए, इसका नाम हम एक्स देते हैं, बीच में कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं वाई ओ देते हैं, और इधर एक पॉइंट ले लेते हैं वाई, ठीक है। और जेड एक बिंदु है, एक्स ओ वाई तीन बिंदु एक रेखा खंड पर बने हैं, और जेड एक बाहर में कहीं बिंदु है, जेड कहीं इधर ले लेते हैं हम यहाँ पे, इधर कहीं ले लेते हैं, जहाँ से एक्स ओ जेड जो होता है 400 डिग्री नहीं, यहाँ देखिए 40 डिग्री है, जैसे सी भी टाइपिंग एरर में गलत किया हुआ है। ये मेरे पास क्या है, जेड है, और जेड का वैल्यू क्या दे दिया, ये वाला एंगल फाइनल की इतना है 40 डिग्री है, ठीक है। बट यहाँ से पूछा जा रहा है क्या है, एक्स ओ जेड और वाई जेड, यानी कि ओ ए जो है एक्स ओ जेड का आंतरिक विभाजक है, यानी कि ये एंगल को क्या करता है, ये डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल को डिवाइड कर रहा है इससे करके, तो ये 40 में पार्ट देगा, 40 को दो भाग में बांटेगा, तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और साथ में इधर वाला जो एंगल है, देखिए ये जो 40 है तो इधर कितना बचेगा, 140 बचेगा, लिनियर पेयर से क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ का डिमांड जो है y o z का वैल्यू जो है लिनियर पेयर से क्या होगा, 180 माइनस हम अगर 40 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कितना मिल जाता है, 140 डिग्री मिल रहा है। बट बोला जा रहा है इसका जो बायसेक्टर है, इसका नाम दे दिया है OB दे दिया है, इसका बायसेक्टर तो OA था, ये बायसेक्टर है, तो ये वाला एंगल भी 70 डिग्री होगा, ये वाला भी एंगल 70 डिग्री होगा। अब हमको किसका मांगा जा रहा है, बी ओ y का मांगा रहा जा वैल्यू, तो 70 दिख रहा है हमको, तो इतना बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है दिया हुआ, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड सच डैट क्या है, x 2/3 ऑफ x इक्वल टू 2/3 ऑफ y, ये b नहीं होगा, ये क्या होगा, ये क्वेश्चन एरर है, ये y दिया होना चाहिए, और ये 2/3 ऑफ क्या है, c, यानी कि 150% ऑफ c, तो हमको क्या चाहिए, x y z का क्या करना है, रेशियो पूछा जा रहा है, ये गलत दिया हुआ है, यहाँ b होगा, b के जगह में x, ये 2/3 ऑफ x, तो 2/3 ऑफ x यानी कि 2/3 ऑफ x इक्वल टू, ये b नहीं होगा, ये क्या होगा, y होगा, और ये c नहीं होगा, ये क्या होगा, z होगा, क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, तो ये 75/100 हो गया, ठीक है, और ये y हो जाएगा, ये यहाँ 150% है, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए बाय 100 करेंगे, जो कि z के इक्वल है, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा 2/3 x इक्वल टू, ये तो 3/4 आ जाएगा, रिड्यूस हो गया, ठीक है, और ये आपको यहाँ से आ जाएगा 3/2 z आ जाएगा, ठीक है, ये z है। हमको क्या पूछा जा रहा है, x y z का रेशियो पूछा जा रहा है, तो बहुत ईजी से हम x y z का रेशियो निकाल सकते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, एक्स वाई जेड का रेशियो निकालने के लिए, जब हमको एक्स का रेशियो निकालना है, तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए इसको मान लेते हैं, ये तीनों ही क्या है, मान लेते हैं के बराबर है, किसके इक्वल है, के इक्वल है, तो यहाँ एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा 3k अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगा, वाई का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4k अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, ठीक है, और तीसरा क्या है, जेड का वैल्यू जो हो जाएगा वो 2k अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, k तो यहाँ से पूरी तरह से रिड्यूस हो जाएगा, कैंसिल हुआ, अब बचा हुआ है 2, 3, 3, यहाँ डिनोमेटर में हम उसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम 2, 3, 3 का क्या होता है, 6 होता है, तो यानी कि यहाँ से अगर हम फाइनली अगर अच्छी तरह से सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ से 6 लिख सकते हैं, फिर ये क्या होगा, 4/3 होगा, यहाँ से 6 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, 2/3 होगा, और यहाँ से हम मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, ठीक है, ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, और ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, जो कि आपको 9 बच रहा होगा, ठीक है, और 4 2 8 दिख रहा है, और साथ में क्या दिख रहा है, 2 2 4, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, 9 8 4, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिखाई दे रहा है, चारों ऑप्शन भी दिख रहा है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 4 walls ऑफ द रूम, रूम तो क्यूबाइड शेप का रहता है, और उसका 4 walls का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, उस पर पेंटिंग कराने का खर्च दे दिया है आपको, पहले एरिया लिख देते हैं, 4 walls ऑफ रूम, एरिया ऑफ 4 walls, उसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ 4 walls ऑफ रूम, रूम से कैसा शेप का होता है, क्यूबाइड का शेप का होता है, तो इसका एरिया दे दिया जाएगा, यहाँ से अगर हम टोटल खर्च जो है उसको रेट से डिवाइड कर दें तो बहुत इजी से हमको क्या होगा, उसका एरिया निकल जाएगा, 1300 meter square इसका एरिया निकल गया, एरिया ऑफ 4 walls ऑफ रूम। अब बट एरिया ऑफ 4 walls ऑफ रूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2 into L + B, जिसको फॉर्मूला नहीं मालूम है वो आप अपने कॉपी में नोट कर लें, तो यहाँ से क्या है, 1300
सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलता ही है एग्जामिनेशन में, तो मिलता ही है, तो बड़ा ये काम का चीज़ है। यहाँ लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ ब्रेथ दिया गया है क्या? हाँ, लेंथ और ब्रेथ दिया, हाइट ही नहीं दिया है। तो लेंथ में मीटर स्क्वायर नहीं, ये फीट स्क्वायर है, ठीक है, जो भी है स्क्वायर यूनिट में आपको है, ठीक है। मीटर यूनिट ये मीटर स्क्वायर में नहीं है, फीट में है, ठीक है। तो यहाँ से लेंथ का जो वैल्यू है वो आपको 45 दिया है, ब्रेथ का वैल्यू ये 20 दे दिया है, हाइट का वैल्यू अता पता नहीं है, जो कि यहाँ से क्या है 1300 स्क्वायर फीट के इक्वल है। तो ये यहाँ से 2 इंटू क्या आएगा 65 आ जाएगा, इंटू हाइट आएगा इक्वल टू 1300 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से हाइट का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 1300 हो गया, फिर स्क्वायर फीट बाय क्या होगा 65 × 2 = 130, तो ये कैंसिल होके क्या होगा जी 10 टाइम्स में आ जाएगा। तो यहाँ से जो हाइट का वैल्यू आएगा जी वो आ जाएगा 10 के इक्वल, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट दिख रहा होगा, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, यदि एक समतल रेखा L1x x के दिशा में, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको फिगर बनाना पड़ेगा, बिना फिगर बनाए आप इसको नहीं बना सकते हैं। L1x के निश्चित दिशा में एक कौन क्या है बनाता है जो कि 90 डिग्री से ग्रेटर है, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में हमको समझ में नहीं आएगा तो आपको हम इंग्लिश में ही बताएंगे। L1 मेक्स एन एंगल, ठीक है, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो राइट एंगल से क्या करता है 90 डिग्री से ग्रेटर फॉर्म कर रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं कार्टेशियन प्लेन ही ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये मेरी एक्स एक्सिस हो गया और यहाँ पर एक लाइन क्या करते हैं ऐसे करके ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये लाइन जो ड्रॉ कर दिए हैं L1, ये यहाँ पे क्या है मान लेते हैं, सपोज करते हैं ये ओरिजिन है, ओके। एक मिनट इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि इसको देखने में असुविधा हो रहा है, इसको फिर से ड्रॉ करना होगा फिगर, बिना फिगर ड्रॉ किए नहीं हो सक पाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं इसको ड्रॉ करते हैं, तो ये मेरा क्या है सपोज कर लेते हैं एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम क्या सपोज कर लेते हैं वाई एक्सिस है। L1 एक लाइन है जो कि इस तरह से यहाँ L1 बना रहा है लाइन, ठीक है, इसको हम सपोज कर लेते हैं ये क्या चीज़ है L1 है, ठीक है, ये L1 सपोज किए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये, तो ये वाला पार्ट कितना होता है राइट एंगल होता है 90, तो इधर ला हम एंगल को क्या बढ़ा देते हैं थीटा बढ़ा देते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है उसको क्या सपोज किया गया है निश्चित दिशा में एक कोण बनाता है, यानी कि ए डिग्री का एंगल, यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हैं जो ए होगा वो क्या होगा 90 डिग्री प्लस क्या होगा थीटा के इक्वल, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ से बोला जा रहा है क्या है L2 जो है वो विद द वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर है, तो यहाँ परपेंडिकुलर है तो कुछ इस तरह से क्या होगा यहाँ पे बनेगा परपेंडिकुलर यहाँ से, ठीक है। तो इसका हम लाइन क्या दे नाम क्या दे दे सकते हैं ऐसा करके, ये हम L2 सपोज कर सकते हैं, तो ये कि यहाँ ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे लिख दिया था क्या है परपेंडिकुलर है, इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, मान लेते हैं A ले लेते हैं, ये तो ओरिजिन होता ही है, और इसका नाम क्या कर देते हैं B दे देते हैं, ठीक है। ये लाइन L2 था, तो L2 लाइन स्ट्रेट पास कर गया है, तो यहाँ से पूछा जा रहा है ये वाला एंगल का मेजर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा एंगल का मेजर पूछा जा रहा है हमको, तो बने हुए न्यून कोण का माप निकालें, यानी कि ये थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, थीटा का वैल्यू। तो थीटा का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, सो देखिए ये हमको यहाँ से राइट एंगल मालूम है, ठीक है। तो ये तीनों एंगल का जो न्यून कोण का जो है क्या पूछा है, देखिए इफ स्ट्रेट लाइन L1 मेक्स एन एंगल A विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देन फाइंड द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन L2 मेड बाय स्ट्रेट लाइन L2 विथ वाई एक्सिस, यानी कि ये एंगल का मेजर हमको पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल का मेजर पूछा जा रहा है हमको, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे ये एंगल का मेजर, अगर निकालना चाहते हैं तो इसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ से जो एक्स का जो वैल्यू आएगा सो देखिए बड़ा इजीली से हम लोग निकाल सकते हैं एक्स का वैल्यू। तीनों एंगल का सम ट्राइंगल है, ये वाला और ये वाला, तीनों का एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो यहाँ से क्या होगा एक तो 90 डिग्री था ही, ठीक है, मेरे पास, और दूसरा क्या था ये थीटा था, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर लिख देखें तो ये 180 डिग्री माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस क्या होगा थीटा, और हम लोग पहला ही रिलेशन में देख सके 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू है, 90 प्लस थीटा का वैल्यू ए है, तो यानी कि एंगल का जो वैल्यू मिल जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस ए के इक्वल दिख जाएगा, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, ओके। ये कौन सा एंगल का मेजर आ गया, ये हम लोग अगर बोलेंगे तो यहाँ से एंगल क्या होगा ABO का मेजर आ गया, ठीक है। तो ये एंगल का मेजर आपको ऑप्शन नंबर 4 से दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है,
ये क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्रमशः आपको दिया गया है। तो पूछा जा रहा है यहाँ से उस धनराशि का क्या होगा, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। देखिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है 2 ईयर वाला, ठीक है, तो 2 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला हो जाता है, ये एक्चुअली ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है आंसर में। तो 2 ईयर वाला क्या होता है, फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी आर स्क्वायर बाय क्या हो जाता है, 10,000 हो जाता है, ठीक है। 2 ईयर का सी आई और एस आई का जो डिफरेंस है, जो कि आपको दे दिया गया 400 के इक्वल, सपोज कर लिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली क्या करते हैं, 3 ईयर का जो पी यहाँ पर जो डिफरेंस होता है एस आई पी सी आई और पी आई का बीच का डिफरेंस, तो हो जाता है फॉर्मूला 3 ईयर वाला में क्या हो जाता है, पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, 1/60 आ जाता है, 100 का क्यूब 3456, जो कि किसके इक्वल दिया है, 1120, ठीक है, 1220 के इक्वल दिया है। ये हम इक्वेशन नंबर क्या करते हैं, 2 सपोज कर लेते हैं। देखिए पी आर स्क्वायर बाय 10,000 का यहाँ वैल्यू यूज़ कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम यहाँ पे अगर क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को कहाँ यूज़ कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ करते हैं, तो ये पी आर स्क्वायर बाय 10,000 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। और इधर से क्या है मेरे पास, 300 प्लस क्या है आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, 100 ही बचेगा, क्योंकि ये 60 है, तो 40 तक हम तो कैलकुलेट कर लिए, 10,000 तक इसके बदले वैल्यू पुट कर दिए, तो 100 बच जाएगा। और जो कि आपको यहाँ से क्या है, 1220 के इक्वल दिख रहा है, यहाँ से 0000 कैंसिल होगा, 4 के टेबल में ये क्या होता है, 305 टाइम्स में कैंसिल हो जा रहा है। तो हम अगर यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करते हैं तो 5% आ जा रहा है, हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, तो बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमको क्या होगा, पी नहीं निकलेगा। तो पी का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 पी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 5/5 = 25 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, 10,000 है, ठीक है, और इक्वल टू क्या है, 400 के इक्वल है, ठीक है। ये 25 के टेबल में ये क्या होता है मेरा, आसानी से क्या होता है, 16 टाइम्स में डिविजिबल है, यानी कि पी का वैल्यू जो आएगा वो 16,000 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 16,000 होगा। देखिए ये इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, 16,000 रुपीज़ के इक्वल आना चाहिए पी। ओके देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है 20, और 20 हम पिछला भी सेट में आपको बताए थे, ये रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका आंसर क्या है, 6/5 के इक्वल आएगा, लेकिन कैसे आएगा फिर से हम आपको ये सेट पर भी बताते हैं। देखिए हमको एक्स बाय वाई का वैल्यू चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, पूरे जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ताकि एक्स वाई बाय पहले से हमको दिख जाए। तो जब हम डिवाइड कर देते हैं तो कुछ इस तरह से हमको नजर आने लगेगा, देखिए इसको डिवाइड करने के बाद ये 20 अपॉन क्या बनेगा, 20 इंटू एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर है, क्योंकि हम वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहे थे, माइनस क्या होगा 39, ये वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक वाई कटेगा, तो एक्स बाय वाई बचेगा, प्लस क्या होगा 18 होगा, जो कि क्या होगा 0 के इक्वल होगा। फिर हम इसको फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या होगा 20 एक्स अपॉन वाई, ठीक है, और यहाँ से होल स्क्वायर, ये मेरा क्या होगा 24 एक्स बाय वाई, हम इसको फैक्टराइज करते हैं, ये 15 एक्स बाय वाई प्लस क्या है मेरा 18 है, जो कि क्या है राइट पार्ट में 0 के इक्वल है। इसको अगर ऐड करते हैं माइनस 39 एक्स वाई बाय वाई आ जाता है, और प्रोडक्ट जो है वह 360 वो प्लस में ही आ जाता है, इसलिए हम इसको फैक्टराइज कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर इसको कॉमन लेते हैं तो ये कितना कॉमन आता है, 20 और 24 में क्या कॉमन आ रहा है मेरा, 4 कॉमन आ रहा है, 4 इंटू एक्स अपॉन वाई कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ से मेरा बच रहा है 5 इंटू एक्स अपॉन वाई, ठीक है, और यहाँ से खाली -6 बचेगा, यहाँ से हम -3 ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 5 इंटू एक्स अपॉन वाई -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। दो अलग अलग फैक्टर बनाते हैं, 5 एक्स अपॉन वाई माइनस क्या हो रहा है 6, ठीक है, और दूसरा फैक्टर क्या है इसका एक्सटीरियर में क्या था, 4 एक्स अपॉन वाई -3 इक्वल टू 0। जब बारी बारी से दोनों को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो एक वैल्यू एक्स बाय वाई जो मिलेगा वो क्या आ जाएगा, 6/5 आएगा, और दूसरा वैल्यू क्या आएगा, 3/4 आएगा। दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है, बट यहाँ 3/4 नहीं दिया हुआ था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 6/5 होगा। ये सेट आपका 7 भी कंप्लीट होता है, हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।